अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ को जो हम स्टार्ट किया, हमने सेकंड ईयर मैथ के जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज का सवाल करेंगे। तो उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सेकंड ईयर मैथ की, जो एक्सरसाइज है जी हमारी 2.1, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम पहले कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन जो है वो उसी तरीक़ाकार से होने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरीक़ाकार पर है। तो चलें जी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है वो फाइंड करना है हमने डेरिवेटिव ही बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले हमने बाय डेफिनेशन किया था, आज हमने डेफिनेशन जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जी एक्स प्लस ए जो है एक्स प्लस टू उसका अंडर रूट, और दूसरा क्वेश्चन है जी 1/(x+a) का अंडर रूट। तो हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जो जुज है उसको करेंगे। ये भी बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे हमने बाय डेफिनेशन किया था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक्स ये 1/(x+a) इसका क्या है जी, अंडर रूट है। अब हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले वही वाला स्टेप कि हम इसको y के बराबर लेट करेंगे। हम यहाँ पर लेट करेंगे कि y जो है वो बराबर है इसके। अब यहाँ पे ये जजर है रकम का, तो x प्लस ए इसकी जजर को हम पावर लिखते हैं ना 1/2, तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, -1/2। अब हम इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे। इंक्रीमेंट अप्लाई करने का मतलब है कि y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस डेल y से, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल x प्लस ए रेज टू पावर -1/2। उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि y वाली रकम जो है वो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x प्लस ए रेज टू पावर -1/2, और y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ऐसा करेंगे हम कि x प्लस ए को पहले लिख लेंगे और डेल x वाली रकम को बाद में लिख लेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, -1/2 माइनस वाई की जगह जो है वो उसकी वैल्यू लिखेंगे। वाई की वैल्यू क्या है जी, एक्स प्लस ए रेज टू पावर -1/2। हमारा ए का एक्स के साथ करने का मकसद भी ये था कि ये वाली टर्म जो है वो हम दोनों में से कॉमन बना दें। अब इसमें से एक्स प्लस ए जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन आएगा तो पावर भी साथ कॉमन आ जाएगी, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस डेल एक्स में ये तो नहीं है, तो कॉमन लेने की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। तो डेल एक्स में अगर ये नहीं है तो उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा -1/2, और साथ ये वाली रकम वैसे की वैसी आ जाएगी एक्स प्लस ए रेज टू पावर -1/2। अब हमारे पास दो रकमें हैं, एक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक ये रकम है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स प्लस ए रेज टू पावर -1/2 हम दोबारा से कॉमन ले लेंगे, पर ये वाली रकम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि ये सारी रकम थी इसमें से ये वाला कॉमन आ गया तो ये बच गया 1/(Δx)/(x+a) रेज टू पावर -1/2 माइनस इसके साथ, चूँकि ये सारा कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब जी डेल y इधर है हमारे पास, अब ये वैसे ही लिखा जाएगा एक्स प्लस ए रेज टू पावर -1/2, और इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे जैसे हमने एक्सपेंड करना पहले भी सीखा था। तो ये बन जाएगा 1 + nx, लिखते हैं ना n पावर को कहते हैं, -1/2, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल x/(x+a) प्लस n इंटू n -1, n की जगह पे क्या है -1/2, इंटू n -1 की जगह पे -1/2 -1, और बटे में 2 का फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर होता है तो x की जगह पे क्या है, डेल्टा x/(x+a) इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और प्लस सो एंड सो वन, इसी तरह रकम चलती जाएगी और ये -1 एंड पे आ जाएगा। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है जी डेल वाई
और बराबर के इस तरफ हमने ये x प्लस ए रेज टू पावर माइनस वन ओवर टू कॉमन लिया हुआ है और अंदर बचा हुआ है जी माइनस वन ओवर टू डेल्टा x ओवर x प्लस ए और प्लस माइनस वन ओवर टू इंटू माइनस वन ओवर टू माइनस वन ओवर टू का फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x प्लस ए का स्केयर और प्लस सो एंड सो ऑन। अब इनमें से हम दोबारा से डेल्टा x ओवर x प्लस ए कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस ए रेज टू पावर माइनस वन ओवर टू और डेल्टा x ओवर x प्लस ए ये कॉमन आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये वाली टर्म यहाँ पावर इसकी वन है, यहाँ टू है, इसके बाद थ्री होगी, इसके बाद फोर, तो एक तो सब में होगा ना, तो ये कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा माइनस वन ओवर टू प्लस माइनस वन ओवर टू इंटू माइनस वन ओवर टू माइनस वन ओवर टू का फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स ओवर एक्स एक्स प्लस ए की पावर यहाँ दो थी, एक रह जाएगी। और इसी तरह आगे तीन पावर होगी, दो रह जाएगी, यानी फिर से ये उसके साथ आएगा। उसके बाद हम डेल्टा एक्स से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड, तो यही डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स से इस तरफ भी और इस तरफ भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट दोनों तरफ, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स और इधर भी हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ जो टर्म है एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस वन ओवर टू ओवर डेल्टा, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस ए बस, और इन साइड में ये सारी रकम एज इट इज़ दोबारा से लिखी जाएगी जो ऊपर लिखी है। अब ये वाला सारा जो है वो बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो, यहाँ पे ये वाली टर्म हमने लिखनी थी, देखें यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे अगर हम ज़ीरो पुट करें तो ये वाली सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, उससे आगे वाली टर्म में भी डेल्टा एक्स होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगी, तो सारी टर्म्स आगे वाली ज़ीरो हो जाएंगी, बस यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस वन ओवर टू बटे में एक्स प्लस ए और इन साइड में बस बच जाएगा माइनस वन ओवर टू। इसका फाइनल जवाब जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस वन ओवर टू को हम जो है वो शुरू में लिख लेते हैं और x प्लस ए इसकी जो पावर है ये माइनस वन ओवर टू ये, और यहाँ पे पावर एक है, ऊपर जाके ये भी माइनस वन हो जाएगी तो ये बन जाएगी जी माइनस थ्री ओवर टू। तो ये हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की सही तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपने कोई आपको कोई उबहम बाकी है या इसमें कोई शुबा है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।